एक बार फिर से सभी का वेलकम है इस वीडियो में, स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे लवली नो कॉइन के बारे में। काफ़ी दिन से लवली आर्मी सो रही थी और आज लवली आर्मी ने एक ट्वीट किया है, सीधा उस ट्वीट पे बात करेंगे। कोई वक्त आपका ख़राब नहीं किया जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए और मार्केट ओवरऑल व्यू बताने के लिए। तो सीधा फोकस करते हैं ट्वीट में, क्या ट्विटर पर निकल के अनाउंसमेंट आई है लवली की। तो लवली का जो ट्वीट है वो है दोस्तों, लवली होल्डर्स नाउ दैट वेरी वेल Who has made so much progress? इनका कहना कि इन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है आप लोगों के लिए। At this time, everyone is upset with the lovely team. तो इनका ये भी अगला स्टेप कहना है कि का सभी लोग हमारे से अपसेट है, मतलब इन्होंने प्रोग्रेस की उसी वजह से लोग अपसेट हो गए। तो ऐसी प्रोग्रेस करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी लवली आर्मी को। अगला इनकी लाइन है जो, बट टाइम इज कमिंग दैट स्माइल शुड कम ऑन एवरी वन फेस अगेन, मतलब सभी के चेहरे पे दोबारा आपको खुशी नज़र आएगी, लवली आर्मी का ऐसा कहना है। तो एक बात दोस्तों मैं इनसे कन्फर्म करना चाहता हूँ, लवली के डाई हार्ड फैन आज भी हैं ये मेरे को पता है, और लवली को सपोर्ट भी लोग बहुत करते हैं ये भी पता है, और गालियाँ भी बहुत देते हैं ये भी मुझे पता है, और आज की वीडियो में भी काफ़ी लोग लाइक भी करेंगे और काफ़ी लोग गालियाँ भी देंगे मुझे ये भी पता है। लेकिन जो भी अपडेट लवली की आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो अगला इन्होंने कंपेयर करके दिखाया हुआ है कि हमने इतना काम किया लेकिन फिर भी आप लोग खुश नहीं हो पा रहे लवली टीम से। तो इन्होंने नीचे रीजन भी दिया है कि आप इसको देखो, तो मैं आपको पूरा ट्वीट बता देता हूँ पहले, फिर बातचीत करते हैं अगली। तो इन्होंने पहला कोई कॉइन दिखा रखा है पिटबुल के नाम से, जो 94.88% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। ओके, दूसरा जो इन्होंने दिखा रखा है लवली इनो का, तो इसमें देखें 90.1% डाउन, मतलब इन्होंने कंपेयर किया है इससे 94% से और 90%। ओके, नेक्स्ट इन्होंने लिया है बेबी डोज कॉइन 93.72% डाउन। तो इनका कहना यह है कि लवली ऑल टाइम हाई से 90% ही डाउन है और बेबी डोज 93% डाउन है। अब इनको एक बात समझाने के लिए ये टाइम लगेगा दोस्तों कि बेबी डोज का क्या मुकाबला लवली कर लेगा। 16 लाख से ऊपर होल्डर हो चुके हैं और बेबी डोज की एक ऐसी एक भी अनाउंसमेंट निकल के सामने नहीं आई है कि उन्होंने जो बोला हो वो होना। अब लवली आर्मी से एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बायबैक लेने के लिए लाने के लिए हम लोगों ने बोला था, या फिर 10 जो एक्सक्लूसिव लिस्टिंग लेके आए थे आप, आखिरी जो लिस्टिंग होने वाली थी बाइनेंस पे, वो हमने कहा था भी आप लोग अनाउंस करो। अगर आप लोगों ने अनाउंस किया था तो उस पर खरे उतरना चाहिए था ना, लोगों का विश्वास, तभी होल्डर्स का विश्वास आप तक बढ़ता। हम लोगों ने कितनी सपोर्ट की लवली को, हमने भी थंबनेल में दोस्तों लिखा था 3-0 किल होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। क्यों लिखा था? क्योंकि लिस्टिंगें 10 लेके आया था लवली, और उसके बाद क्या हुआ था, बायबैक लेके आया, एक्सक्लूसिव लिस्टिंग होनी थी उसकी खबर आई, फिर क्या हुआ दुबई एक्सपो आया। तो जो हमें तो न्यूज मिलेगी, हमारे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि घुमाएंगे और इसका प्राइज अप हो जाएगा। तो दोस्तों हमें तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी कॉइन के बारे में, गूगल पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी, हमारा काम है उस इन्फॉर्मेशन को निकाल के आप तक बांटना। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी ही गलत होगा तो हम लोग भाई क्या कर पाएंगे। तो काफ़ी लोग अभी कह रहे हैं कि क्या $1 लवली लेके चले आप, तो जो $1 लवली को भी लेके जा रहे थे या ₹1 लेके जा रहे थे। तो भाई जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसी पे, उसी बिहेव पे वीडियो बनाई जाती है। तो अभी इन्होंने कंपेयर किया है बेबी डोज कॉइन के लिए, बेबी डोज जो भी दोस्तों करेगा अनाउंसमेंट उस पर खरा उतरेगा और खरा उतरता भी है। और बेबी डोज की कम्युनिटी ऐसे नहीं 16 लाख हो गई, किसी वजह से ही हुई है। तो दोस्तों लवली ऐसा नहीं है कि लवली के अंदर बूस्ट नहीं आएगा, मैं ये नहीं मानता, हो सकता है सुबह ही लवली के अंदर आपको 50% का बूस्ट नज़र आ जाए, लेकिन उस बूस्ट का फ़ायदा क्या जब टेक्निकल रीजन कोई निकल के सामने नहीं आता, कोई न्यूज निकल के आए तब बूस्ट आए, तब तो हम लोग भी इसको सपोर्ट करें। सपोर्ट तो हम लोग करते आए हैं, ऐसा नहीं है, मेरी पिछली वीडियो जो आप सारी उठा के देख सकते हो लवली को सपोर्ट के लिए बनी हुई है। लेकिन कब तक भाई हम लोग गालियाँ कब तक खाएंगे बिना काम से। और कॉइन भी अच्छे हैं, वहाँ भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि कोई भी अपडेट निकल के आएगी मिल जाएगी। आज ये बड़ी अपडेट लवली के द्वारा निकली है, ट्वीट आज लवली ने किया है, कम से कम बात करें 3-4 दिन बाद क्या हुआ, दुबई एक्सपो का कोई पता नहीं, बायबैक का कोई पता नहीं, जो लिस्टिंग होनी थी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो दोस्तों ऐसे कॉइन के लिए आप लोग क्या सोचते हो ये आप पर छोड़ देता हूँ मैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। हाँ, इस कॉइन की अगर और भी कोई अच्छी अपडेट आएगी तो मैं अच्छा बोलूँगा, बुरी अपडेट आएगी तो आपको बुरा सुनने को मिलेगा।
तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।